So this is our main categorization of parsers, which we also call as a syntax analyzer. So basically we have two main types of parsers with us, a top-down parsers and bottom-up parsers. So we call shift-reduced parsers. Main top-down parsers for the categorize into TDB with backtracking or TDB without backtracking. Now TDB with backtracking, mein kya hota hai ke, let's suppose we have some grammar, some protections, or if we want to parse some string name, this W for A. So ye kya karte hai, har step pe ye ek क्या कहते हैं जिसे कि ये एक डिसीजन लेता है कि आपको कौन सा हर इनपुट टेम्पल के लिए जो कि हमारे स्ट्रिंग से हमारे पास आ रहा है वो उसके लिए डिसीजन लेगा कि कौन सी प्रोडक्शन चूज करनी है. वो प्रोडक्शन चूज करेगा, लेट से हमारे पास एस ड्राइव दो प्रोडक्शन है, तो वो उसमें से पहले एक चूज करेगा, उसको चेक करेगा कि क्या मैच हुआ है. अगर मैच हुआ है तो ठीक है, अगर मैच नहीं होगा हमारी स्ट्रिंग के साथ, हमारे इनपुट सिंबल के साथ, तो वो दोबारा वापस आएगा पैरेंट पे और दूसरी प्रोडक्शन चूज करेगा. और ये काम तब तक करेगा जब तक कि उसको मैच नहीं मिल जाता. तो बेसिकली इट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर ब्रूट फोर्स अप्रोच. नाउ द सेकंड टाइप है टीडीबी विदाउट बैकट्रैकिंग. इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये भी फर्दर टू टाइप्स पे ये कैटेगराइज है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एंड नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जिसको हम NL1 पार्सर भी बोलते हैं. रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है वो रिकर्सिव एल्गोरिथम्स का यूज करता है, और जो नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है वो के जैसे बात जैसे नाम से ही इशू हो रहा है कि नॉन रिकर्सिव होती है, इसमें रिकर्सिव कॉल्स नहीं होती हैं. लेकिन तो क्या करता है ये स्टैक का यूज करता है, क्योंकि रिकर्शन जो है बेसिकली इंप्लीमेंटेड थ्रू स्टैक, तो ये रिकर्शन एल्गोरिथम्स में नहीं होती है, तो ये स्टैक का यूज करता है और इस तरीके से आपकी को पास करते हैं. नाउ कम टूवर्ड्स द बॉटम अप पार्सर, SR पार्सर्स. इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू ऑपरेटिव प्रेसिडेंस पार्सर और NR पार्सर्स. सो ऑपरेटिव प्रेसिडेंस पार्सर जो है ये एक खास टाइप की जो ऑपरेटिव ग्रामर होती है सिर्फ उसी को जो है वो यूज करता है. और एम्बिगस ग्रामर, आपके सारे पार्सर्स जो हैं इनमें से कोई भी जो है वो एम्बिगस ग्रामर के ऊपर वर्क नहीं करता एक्सेप्ट दिस वन. ऑपरेटिव प्रेसिडेंस पार्सर जो है इसमें ये पार है कि ये क्या करती है, इट कैन हैंडल एम्बिगस ग्रामर एज वेल. तो ये बेसिकली इस तरह वर्क करते हैं. अब आते हैं अपने LR पार्सर्स पे. हमारे जो LR पार्सर्स हैं वो बेसिकली अगेन फोर कैटेगरीज में डिवाइड है. LR0 पार्सर, SLR1 पार्सर, LALR1 पार्सर एंड CLR1 पार्सर. अब बेसिकली इन सब में जो फर्क है, इन सब का जो एल्गोरिथम है, जो बेसिकली इनकी जो कह सकते हैं आपके इनका जो एल्गोरिथम है जिसके थ्रू ये वर्क करते हैं वो सेम है, लेकिन इनके पार्सिंग टेबल डिफरेंट होते हैं. और बेसिकली ये जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR आइटम्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं, और उनकी वजह से उनके पासिंग टेबल डिफरेंट होते हैं. और